नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणे जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज चर्चा करेंगे शनि ग्रह के बारे में। मित्रों, जिस तरह से आप अपने मित्र के साथ होते हैं या आप अपने पिता के साथ होते हैं, उन दोनों समय आपका आचरण भिन्न भिन्न होता है। उसी तरह जन्म कुंडली में ग्रह किस ग्रह की राशि में बैठा है, जिस ग्रह की राशि में बैठा होता है, जिस ग्रह के साथ युति कर रहा होता है, जिस ग्रह की दृष्टि उस पर हो रही होती है, उसके अनुसार उस ग्रह का भी प्रभाव होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बताऊंगा। इन उदाहरण के माध्यम से आप अवश्य जान पाएंगे कि ऐसा होता है। मित्रों, जन्म कुंडली में शनि, आपकी जन्म कुंडली चाहे किसी भी लग्न की हो, जहां पर 5 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शनि ग्रह विराजमान है, तो व्यक्ति को जल्दी तरक्की मिल जाती है, जल्दी सफलता मिल जाती है। इसके बाद बात करें कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ हो जन्म कुंडली में, जहां पर 4 नंबर, 4 नंबर कर्क राशि, चंद्रमा की राशि होती है, तो जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर शनि बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को राजसिक सुख मिलते हैं, यानी वाहन का सुख हो गया, भवन का सुख हो गया, इत्यादि सुख उसे मिलते हैं। उसका स्वयं का व्यापार होता है, उसके नौकर चाकर होते हैं, तो ऐसा उसके जीवन में देखने को मिलता है। इसके बाद मित्रों बात करें शुक्र की राशियां। शुक्र की राशियां 2 नंबर और 7 नंबर, ये शुक्र की राशियां होती है, जहां पर 2 नंबर या 7 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर शनि ग्रह विराजमान है, तो ऐसे जातक जिनकी जन्म कुंडली में शनि जो है वृषभ या तुला राशि में होते हैं, तो इनके घर में इनकी पत्नी की ही चलती है, ऐसा अक्सर देखा जाता है। इसके बाद हम बात करें गुरु की राशियों में। शनि अगर 9 नंबर धनु राशि या 12 नंबर मीन राशि, जहां पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा है वहां पर आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह बैठे हैं, शनि ग्रह जहां पर 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर बैठे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति को जीवन में किसी भी कार्य में हानि नहीं होगी। वो चाहे कैसा भी कार्य करे उसे हानि नहीं होगी। लाभ की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, हानि की बात हो रही है। यानी वो व्यक्ति जिनकी जन्म कुंडली में शनि जो है धनु राशि या मीन राशि में बैठे हैं, 9 नंबर या 12 नंबर लिखा हुआ है वहां पर शनि ग्रह है, तो वो व्यक्ति उसे बिल्कुल नए काम में वो अगर हाथ डाल दे, यानी नया बिजनेस चालू कर दे जिसके बारे में उसको कोई नॉलेज भी नहीं है, फिर भी उसका कार्य जो है वो चलता जाएगा, उसमें फिर उसकी मेहनत देखी जाएगी, पर उस कार्य में उसको हानि नहीं होगी। यानी शनि जो है अगर गुरु की राशियों में बैठा है जातक की कुंडली में, तो उसके जीवन में उसे हानि नहीं होने देता है। इसके बाद मित्रों बात करें कि किस ग्रह पर किस ग्रह की दृष्टि है, किस ग्रह के साथ में कौन सा ग्रह बैठा है, यानी ग्रहों की युति दृष्टि सभी कुछ देखा जाता है। ये जो मैंने आपको बताया है एक उदाहरण मात्र है, और ऐसा अक्सर जन्म कुंडलियों में देखा जाता है। जिनकी जन्म कुंडली में ऐसा होता है उनके जीवन में ऐसा देखा जाता है। तो आपकी जन्म कुंडली में भी ऐसा कुछ है तो जन्म तारीख अवश्य कमेंट कीजिएगा। तो मित्रों ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपके सामने पेश किए। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।